हेलो गाइज, नमस्कार। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में विज्ञान विषय के साथ मैं राजकुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, हमने केवल इसके पहले विज्ञान का परिचय पढ़ा, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाऊंगा जहां से लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश निरंतर परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न उठाता आ रहा है। सो फ्रेंड्स, देखिए, हम लोग यूपीपीसीएस यानी यूपीपीएससी द्वारा कंडक्ट एग्जाम उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा 2020 के लिए सामान्य विज्ञान, जी हाँ, सामान्य विज्ञान प्रीलिम्स एग्जाम का सामान्य विज्ञान हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं। और दोस्तों, आज मैं सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाऊंगा दोस्तों, जहां से लगातार प्रश्न पूछता जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आज की क्लास हमारी होगी रुधिर। यानी कि रक्त, या फ्रेंड इसे हम कहते हैं ब्लड। सो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर उपस्थित मैक्सिमम जो जीवधारी है, जो अधिकतम जीवधारी है, उन सब के शरीर के लिए रक्त परम आवश्यक है। देखिए, रक्त इतना आवश्यक है, रक्त हमारे लिए क्या है, जीवन का आधार है। और दोस्तों, इसके साथ साथ परीक्षाओं में भी ये समझ लीजिए कि एक आधार है। परीक्षाओं में बहुत सारा प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अपने पीसीएस की परीक्षा में खासकर ब्लड से किस तरह से प्रश्न पूछता है और इन फ्यूचर 2020 पीसीएस की परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो दोस्तों, हमें पढ़ना है रुधिर। देखिए, रुधिर के कई नाम है। रुधिर को हम क्या कहते हैं, रक्त भी कहते हैं और ब्लड कहते हैं। देखिए तो दोस्तों, इसका नाम रुधिर भी है, रक्त भी है और ब्लड भी है। जिस तरह से इसके तीन नाम होते हैं, उस तरह से शरीर में और भी अंग है जिनके कई नाम होते हैं। तो हम आगे पढ़ते रहेंगे, उनके नाम पर चर्चा करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमें शुरू करना है रक्त यानी कि रुधिर। देखते हैं रुधिर से किस प्रकार के टॉपिक बन सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स यहां से बनते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे तो यहां से कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ब्लड, रक्त क्या है। तो पहला पॉइंट क्या बनता है, व्हाट इज ब्लड, रक्त है क्या आखिर। तो दोस्तों, जानते रहिए, ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल का मतलब लिक्विड फॉर्म में रहने वाला भाग, कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाली कोशिकाओं से बना भाग, टिश्यू का मतलब होता है दोस्तों ऊतक यानी कोशिकाओं का समूह। तो रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो दोस्तों, हम क्या कहेंगे कि रक्त क्या है, रक्त तरल, तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, और ऊतक का मतलब होता है टिश्यू, और इस ऊतक को हम कोशिकाओं का समूह भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्लड क्या है, रक्त तरल संयोजी जीवित ऊतक है। और देखिए, जो रक्त अब प्रश्न पूछता है कि आखिर एक वयस्क मनुष्य के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है, हाउ मच ब्लड इन एडल्ट। अब देखिए, अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि एक वयस्क मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो फ्रेंड जानते रहिए, एक वयस्क में रक्त की मात्रा, अगर हम बात करें एक वयस्क में रक्त की मात्रा की, सो फ्रेंड्स, एक वयस्क में रक्त की मात्रा कितनी होती है, यह लगभग होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। यह पॉइंट्स आपको सब किताब में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। लेकिन पूछता है, अगर प्रश्न ये बन जाए कि एक महिला के अंदर पुरुष की अपेक्षा रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो ध्यान देना फ्रेंड्स, महिला में अगर बात यहां पूछता है महिला की,
तो महिला में पुरुष की अपेक्षा, ध्यान देना, पुरुष की अपेक्षा, महिला में पुरुष की अपेक्षा कितना रक्त कम होता है? अगर ऐसा प्रश्न बनता है फ्रेंड्स तो ध्यान देना आप लोग, महिला में पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर रक्त क्या होता है? कम होता है। ठीक, तो रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। और एक वयस्क में रक्त की मात्रा कितनी? 5 से 6 लीटर। अगर ऐसा प्रश्न बने कि मनुष्य के अंदर रक्त की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है, अगर ऐसा प्रश्न बनता है कि एक मनुष्य के अंदर रक्त की अधिकतम मात्रा कितनी होती है, तो 7 लीटर, इससे अधिक मात्रा नहीं हो सकती। और दोस्तों महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा रक्त की मात्रा कितनी होती है? आधा लीटर कम होती है। प्रश्न बन सकता है कि रक्त जो कि 5 से 6 लीटर होता है एक वयस्क मनुष्य में, अब आप यह बताएं कि यह रक्त जो है शरीर के वजन का कितना परसेंट है? सो फ्रेंड ध्यान देना, वजन का, यह वजन का 7% होता है, यानी रक्त की मात्रा जितनी होती है यह हमारे संपूर्ण वजन का कितना होता है फ्रेंड्स? ये 7% कितना होता है? 7% होता है। फिर देखिए ये 3 पॉइंट, इसके बाद प्रश्न लगातार बना हुआ है कि रक्त का पीएच मान कितना है, व्हाट इज पीएच एंड वैल्यू ऑफ ब्लड। सो फ्रेंड्स रक्त का पीएच मान, देखिए पीएच मान क्या होता है, एक्चुअली पीएच मान एक संख्यात्मक मान है। क्या है? संख्यात्मक मान है। इसमें हम हाइड्रोजन का सांद्रण मापते हैं, कितना हाइड्रोजन की मात्रा होती है। तो दोस्तों पीएच मान 7 से कम, यानी 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 अगर होता है एग्जैक्ट तो जो उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, और 7 और 14 के बीच एल्कलाई यानी दोस्तों क्षारीय होता है। तो ध्यान देना जो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। मैंने क्या बोला आपसे कि अगर 7 और 14 के बीच उसे क्षारीय कहते हैं। तो ध्यान रहे यदि रक्त का पीएच मान 7.4 है तो यह क्या कहलाएगा? यह क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारीय, यानी रक्त हमारा कैसा है? क्षारीय है। प्रश्न बना था लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षा में कि रक्त का पीएच मान यदि 2% बढ़ जाए, 2 पॉइंट बढ़ जाए तो क्या स्थिति होगी? व्यक्ति मर जाएगा। दोस्तों अगर यह 7.4 है, यदि यह 7.6 हो जाए तो यह भी क्या होगा? जानलेवा होता है, मतलब व्यक्ति क्या होगा? जीवित नहीं रह पाएगा। अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान देना, रक्त का अध्ययन होता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, सो फ्रेंड्स हीमेटोलॉजी में क्या करते हैं? रक्त का अध्ययन करते हैं। एंड फ्रेंड्स एक प्रश्न यहां पे और बना हुआ है, वह कौन सी क्रिया है जिसमें रक्त की कोशिकाओं और प्लाज्मा सेल्स का निर्माण होता है? सो फ्रेंड्स दैट इज कॉल्ड हीमेटोपाइसिस। हीमेटोपाइसिस एक ऐसी क्रिया है जिसमें रक्त की कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया, रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सो फ्रेंड्स रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमेटोपाइसिस कहलाती है। हीमेटोपाइसिस, हीमेटोपाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें रक्त का निर्माण होता है। इसमें प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं की कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों उसे हम कहते हैं हीमेटोपाइसिस। और हीमेटोलॉजी वह क्रिया है जिसमें रक्त के विषय में अध्ययन करते हैं। एंड फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं कि रक्त का कार्य क्या है। और एक पॉइंट और जान लीजिए आप लोग, पूछता है कि निर्माण कहां होता है। अगर प्रश्न ऐसा बनेगा कि रक्त का निर्माण कहां होता है, अगर प्रश्न बन जाए कि रक्त का निर्माण कहां होता है, तो देखते हैं रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, दोस्तों देखिए हमारी जो हड्डियां होती है
जो हमारी बोन होती है देखिए, जो हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बीच क्या होता है फ्रेंड्स, हड्डियों के बीच होता है लिगामेंट। ध्यान देना, हड्डियों के बीच क्या होता है, लिगामेंट होता है। परंतु इन्हीं हड्डियों में कुछ बोन मैरो होता है, एक होता है रेड बोन मैरो एंड फ्रेंड्स एक होता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो ये हड्डियों के बीच रहता है। और फ्रेंड्स एक बात और ध्यान देंगे, हड्डियों और पेशियों के बीच एक भाग होता है जिसे हम कहते हैं टेंडन। हड्डियों और पेशियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। एंड फ्रेंड्स देखिए, अब दो हड्डी को जोड़ने वाला भाग क्या होता है, लिगामेंट होता है, इसे हम लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट वह भाग है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, बोन प्लस बोन। और हड्डियों और मांसपेशियों के बीच होता है टेंडन। टेंडन वह भाग है जो बोन प्लस मसल्स हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। एंड फ्रेंड्स यहां देखिए, हड्डियों के बीच में होता है रेड बोन मैरो, ठीक, इसे हम कहते हैं आरबीएम, रेड बोन मैरो। और एक भाग और होता है वाईबीएम, इसे हम कहते हैं येलो बोन मैरो। तो आरबीएम और वाईबीएम, सो फ्रेंड्स ध्यान देना, जो आरबीसी होती है लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी का निर्माण कहां होता है, हड्डी के अस्थि मज्जा में। और कौन सी अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। और फ्रेंड्स यदि पूछता है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं अर्थात व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स अर्थात ल्यूकोसाइट का निर्माण कहां होता है, तो आप बताएंगे वाईबीएम में। तो फ्रेंड्स आरबीएम में आरबीसी बनता है और वाईबीएम में क्या बनता है, डब्ल्यूबीसी। तो हम कह सकते हैं कि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। परंतु दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि जब बच्चा भ्रूण में होता है, एम्ब्रियो में होता है, तो भ्रूण में रक्त का निर्माण कहां होगा, भ्रूण में रक्त का निर्माण कहां होगा, यह प्रश्न पूछता है। तो फ्रेंड जानते रहिएगा, भ्रूण के अंदर रक्त का निर्माण यकृत में होता है। कहां होता है, यकृत में होता है। और दोस्तों इसके अलावा यकृत के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लीहा और इस प्लीहा को अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं। प्लीहा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। और फ्रेंड्स इसी प्लीहा को हम तिल भी कहते हैं, तिल्ली भी कहते हैं। और इसका एक भाग और होता है मीसोडर्म, मीसोडर्म इसी का भाग है, यकृत का ही भाग है। तो ध्यान दीजिएगा कि भ्रूण में रक्त का निर्माण कहां होता है, यकृत में होता है, और इसके अलावा प्लीहा में होता है और मीसोडर्म में भी होता है। और फ्रेंड्स आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्लीहा को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि यह जो लीवर है यकृत, यह यकृत प्लीहा के अंदर रक्त को भंडारित करता है, तो हम प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसी प्लीहा में आरबीसी का विनाश होता है, तो हम दोस्तों प्लीहा को आरबीसी का कब्रस्थान भी कहते हैं। तो ध्यान देना, अगर प्रश्न बनता है रक्त का निर्माण कहां होता है, रक्त का निर्माण कहां होता है, तो आप बताएंगे ये अस्थि मज्जा में होता है। परंतु यदि क्वेश्चन बन जाए कि एक भ्रूण में, एम्ब्रियोन में ब्लड कहां बनता है, तो यकृत में बनता है, प्लीहा में बनता है, और यकृत के भाग मीसोडर्म में बनता है। तो दोस्तों ये रहा रक्त के विषय में कुछ सामान्य जानकारी। अब हम पढ़ते हैं कि ब्लड तो हमारे शरीर में है, रक्त का परिवहन हमारे शरीर में होता है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि रक्त का कार्य क्या है, रक्त का कार्य क्या होता है, हमें इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि रक्त का कार्य क्या होता है। रक्त का कार्य, रक्त का कार्य,
वर्क ऑफ ब्लड। ठीक, अब देखिए पहला कार्य ब्लड का क्या होता है दोस्तों, इसका पहला ही कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। देखिए हम पढ़ते हैं आंतरिक श्वसन के बारे में, ठीक है, तो ऑक्सीजन का रक्त में मिलना और कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त से बाहर निकलना यह कहलाता है आंतरिक श्वसन। तो इसे कौन करता है दोस्तों, इसे करता है रक्त। तो रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ध्यान देना इसका पहला कार्य है, रक्त का ही कार्य होता है कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से पूरे शरीर में पहुंचाना। ध्यान देना दोस्तों कार्य इसका क्या होता है, ऑक्सीजन को यानी O2 को, ऑक्सीजन को फेफड़ों से, ऑक्सीजन को फेफड़ों से संपूर्ण शरीर में पहुंचाना, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को संपूर्ण शरीर से फेफड़ों में लाना, संपूर्ण शरीर से फेफड़ों में लाना, ताकि वायु श्वसन क्रिया के माध्यम से वह कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर चला जाए। दोस्तों इसका अगला कार्य होता है हार्मोन का परिवहन करना। तो दोस्तों देखिए जो हार्मोन होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, ठीक, और अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जिसमें नलिका नहीं होती। तो दोस्तों ये हार्मोन सीधे ब्लड में मिल जाता है और हार्मोन का परिवहन करना रक्त का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों। तो क्या करता है, हार्मोन्स का परिवहन करता है। और नंबर चार दोस्तों, नंबर चार जो होता है इसका वर्क शरीर को स्वस्थ रखना। तो ध्यान देना दोस्तों ब्लड में क्या होता है, ब्लड में होता है आपने पढ़ा होगा एंटीबॉडी, क्या होता है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी वह भाग है जो रोगों से लड़ करके शरीर में, ठीक, शरीर में एंटी डिजीज जो हमारी पावर होती है उसको डेवलप करती है एंटीबॉडीज। तो रोगों से लड़ना या बॉडी को या ह्यूमन बॉडी को, शरीर को स्वस्थ रखना किसका कार्य होता है, ब्लड का कार्य होता है। और ध्यान देना दोस्तों जो रक्त होता है, नंबर फाइव, जो रक्त होता है वह शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को शरीर के बाहर करने का भी कार्य करता है। और रक्त के अंदर जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, रक्त के अंदर जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं एंटीबॉडी उसे खाकर समाप्त कर देता है दोस्तों। ये सब क्या होता है, रक्त का कार्य होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, संपूर्ण यानी ऑक्सीजन को फेफड़ों से पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी से CO2 को फेफड़ों में ले आना और ले जाना किसका कार्य होता है, ये ब्लड का कार्य होता है। और हार्मोन का परिवहन करना, रोगों से रक्षा करना, उत्सर्जन का कार्य करना, ये सब क्या होता है दोस्तों, रक्त का कार्य होता है। अब देखिए आइए हम देखते हैं कि रक्तदान की प्रक्रिया कैसे होती है, रक्तदान यानी ब्लड बैंक के बारे में क्या क्या विशेषताएं है। सो फ्रेंड्स आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें रक्तदान की, अगर हम बात करें रक्तदान की, तो रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेट हम कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहली बात कि पूछेगा कि एक यूनिट बराबर कितना ब्लड होता है, बराबर होता है दोस्तों 350 ml, लेकिन कहीं कहीं क्या मिलता है 450 ml। तो बोथ आर राइट। तो ध्यान देना पूछेगा यदि कि एक यूनिट में कितना रक्त होता है तो 350 ml, वैसे ये माना गया तो आप इसी को मानेंगे, क्लियर। लेकिन दोस्तों कुछ NCERT बुक्स में क्या मिलता है, 450 ml भी मिलता है।
ठीक। अब देखिए आगे, तो दोस्तों आगे ये बनता है प्रश्न कि आखिर रक्त को हम ब्लड बैग में, ध्यान देना कि रक्त को रक्त बैंक में, रक्त बैंक में सुरक्षित ठीक, रक्त को रक्त बैंक में सुरक्षित रखने के लिए हम कितने दिन रख सकते हैं। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, इसको हम लगभग 42 दिन से 48 दिन, रक्त को दोस्तों रक्त बैंक में 42 दिन से 48 दिन, ध्यान दीजिएगा 42 दिन से 48 दिन तक, 42 से 48 दिन तक रख सकते हैं। फिर प्रश्न यह बनता है कि उस समय जब ब्लड को हम ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं तो उस समय तापमान कितना होता है। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। तो दोस्तों उस समय ताप क्या होता है, तो रक्त बैंक में, रक्त बैंक में रक्त का तापमान, तो रक्त बैंक में रक्त का तापमान दोस्तों ये होता है एवरेज में 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि ब्लड बैंक में हम ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रख सकते हैं। परंतु यहां प्रश्न पूछता है कि तापमान न्यूनतम कितना हो सकता है, न्यूनतम तापमान कितना होता है जिस पर ब्लड को रखते हैं। तो दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस। यदि पूछता है कि अधिकतम तापमान कितना है, वह अधिकतम तापमान जिस पर ब्लड को ब्लड बैंक रखते हैं दोस्तों, तो 12 डिग्री सेल्सियस। अगर न्यूनतम पूछता है तो 40 डिग्री सेल्सियस। यदि प्रश्न बनता है अधिकतम, तो क्या बताएंगे, 12 डिग्री सेल्सियस। और अगर पूछता है एवरेज कि दोस्तों वह औसत तापमान कितना होता है जिसमें रक्त को रक्त बैंक में रख सकते हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक। और दोस्तों कितने दिनों तक, तो 42 से 48 दिनों तक, अर्थात 6 से 7 हफ्ते तक ब्लड को हम क्या करते हैं दोस्तों, ब्लड बैंक में रख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रक्त को रक्त बैंक में रखने के लिए क्या मिलाते हैं। ठीक, रक्त को रक्त बैंक में रखने के लिए क्या मिलाते हैं, तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें रक्त बैग, अब बैग क्या है प्रश्न ये बन सकता है, बैग क्या है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, बैग का मतलब जिसको हम बोलते हैं यूनिट, उसे हम क्या बोलते हैं, उस थैले को, वो थैला छोटा सा होता है, इस थैले को हम क्या बोलते हैं, बैग बोलते हैं। तो रक्त बैग में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाते हैं, सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाते हैं, रखने के लिए क्या मिलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाते हैं, तो पहला होता है लिक्विड नाइट्रोजन, यानी कि द्रवित नाइट्रोजन, तो द्रवित नाइट्रोजन अर्थात लिक्विड नाइट्रोजन मिलाते हैं, प्लस इसमें एक होता है कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं डेक्सट्रोज। तो फ्रेंड्स, डेक्सट्रोज और लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, ठीक। तो रक्त बैंक में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए हम द्रवित नाइट्रोजन या डेक्सट्रोज या सोडियम एसीटेट का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों प्रश्न यह पूछता है कि आखिर रक्त बैंक में रक्त क्यों नहीं जमता,
तो हम इस पर चर्चा कर लेंगे। तो ध्यान देना, अगर यदि प्रश्न बनेगा कि एक यूनिट में ब्लड कितना होता है, तो 350 ml रक्त बैंक में रक्त को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कब तक रख सकते हैं, तो 42 से लेकर के 48 दिन तक, 6 से 7 हफ्ते। और दोस्तों ब्लड बैंक में रखे हुए ब्लड का तापमान कितना होता है, तो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस। यदि प्रश्न बनता है कि तापमान न्यूनतम कितना होता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस, और रक्त को रक्त बैंक में रखने के लिए अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों ब्लड को ब्लड बैंक में रखने के लिए, सही से रखने के लिए, उसमें द्रवित नाइट्रोजन और डेक्सट्रोज को मिलाते हैं। अब देखिए प्रश्न यह बन सकता है कि आखिर ब्लड बैंक में ब्लड क्यों नहीं जमता है। सो फ्रेंड्स, यदि ऐसा प्रश्न बनता है कि ब्लड बैंक में ब्लड क्यों नहीं जमता है, तो आइए हम इसकी बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि प्रश्न बनता है कि रक्त को रक्त बैंक में रक्त को जमने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, सो फ्रेंड्स, अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो ये क्या होता है, तो होता है ए डी टी ए, इसे हम कहते हैं एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। सो फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रश्न पूछे कि रक्त बैंक में रक्त को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं, तो ध्यान देना, तो आप क्या बताओगे फ्रेंड्स, रक्त बैंक में रक्त को जमने से रोकने के लिए, जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं, तो हम क्या, आप क्या बताएंगे दोस्तों, आप बताएंगे इसमें मिलाते हैं ए डी टी ए, ई डी टी ए यानी एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, इसे मिलाते हैं रक्त को रक्त बैंक में जमने से रोकने के लिए। तो ध्यान देना भाई, यहां से प्रश्न लगातार बन सकता है दोस्तों, ए या ये क्या है ई डी टी ए, ठीक, रक्त बैंक में रक्त को जमने से रोकने के लिए ई डी टी ए का प्रयोग करते हैं, यह एक रसायन दोस्तों है, ठीक, जिसमें क्या होता है सोडियम और कैल्शियम मिला होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या देखना है। देखिए, हम बात कर रहे थे कि रक्त बैंक में रक्तदान की, रक्तदान की, तो सबसे पहली बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को रक्तदान करना है तो उसकी आयु, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान देना आप लोग दोस्तों, इसके लिए आयु सीमा जो होती है, आयु सीमा यह होती है 21 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष, यानी 21 वर्ष से 60 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, रक्तदान कर सकता है। आयु सीमा क्या होती है, 21 वर्ष से 60 वर्ष तक। और ध्यान देना दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण ब्लड का केवल 10% ही दान कर सकता है, ठीक, तो कोई व्यक्ति जो होता है वो अपने ब्लड का 10% दान कर सकता है। और फ्रेंड्स, जानते रहे आप लोग, अगर यदि यह प्रश्न बनता है कि रक्तदान मतलब एक बार और दो बार रक्तदान करने के बीच का अंतराल कितना होता है, सो फ्रेंड ध्यान रहे 14 दिन, ठीक, 14 दिन के अंतराल पर, 14 दिन के अंतराल पर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, रक्तदान कर सकता है, इतना अंतराल होना आवश्यक है। तो दोस्तों जानते रहिए कि ब्लड में, यानी ब्लड को डोनेट करने के लिए जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष, और कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण ब्लड का केवल 10% हिस्सा दान कर सकता है। और दोस्तों रक्त को दान करने के लिए जो अंतराल होता है दिनों का, वो लगभग कितना होता है, 14 दिन का अंतराल होता है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हमने देखा कि रक्त क्या है, इसका कार्य क्या है, और कैसे इसको हम दान कर सकते हैं, दोस्तों कितनी मात्रा में दान करते हैं। अब देखिए, बिल्कुल एक नया पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो फ्रेंड्स,
देखते हैं कि ब्लड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखिए, रक्त को मुख्यतः दोस्तों दो भाग में बांटा गया है। ब्लड को बेसिकली दो भाग में बांटा गया है। रक्त के एक भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा, रक्त के एक भाग को क्या कहते हैं प्लाज्मा, और रक्त के दूसरे भाग को, ब्लड के दूसरे भाग को दोस्तों जो सेल वाला, देखिए अब ये प्लाज्मा है और ये होता है कोशिकीय भाग। सो फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं ब्लड सेल या इसे हम कहते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, इसे हम कहते हैं ब्लड कॉर्पसल्स या इसे हम कहते हैं ब्लड सेल। सो फ्रेंड्स ब्लड के दो भाग, एक हुआ ब्लड प्लाज्मा और फ्रेंड्स एक क्या हुआ ब्लड कॉर्पसल्स। और ध्यान रहे इस ब्लड कॉर्पसल्स को हम ब्लड सेल भी कहते हैं क्योंकि यह रक्त का कोशिकीय भाग है, इसे हम क्या कहते हैं ब्लड सेल कहते हैं। और दोस्तों इसे हम हिंदी में रुधिर कणिकाएं भी कह सकते हैं। तो देख लीजिए बेसिकली क्या होता है, रक्त का दो भाग है, एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड कॉर्पसल्स। सो फ्रेंड्स जो प्लाज्मा होता है यानी जो ब्लड होगा वो अपने आप में होगा 100%, 100%। तो इस 100% ब्लड का प्लाज्मा कितना होता है यह प्रश्न लगातार बना हुआ है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जो प्लाज्मा होता है वो होता है लगभग 55 से 60%। सो फ्रेंड्स प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है 55 से 60% होती है। ध्यान देना कॉकरोच एक ऐसा जीव है, कॉकरोच जिसके ब्लड में केवल प्लाज्मा होता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये होता है 55 से 60%। अगर बात आती है ब्लड कॉर्पसल्स की तो पूरे ब्लड कितना होता है 40 से 45%, ये पूरे ब्लड का 40 से 45% होता है दोस्तों। देखिए प्लाज्मा कितना 55 से 60%। अब प्लाज्मा कैसा होता है, जो ब्लड का प्लाज्मा होता है ये होता है लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में, और फ्रेंड्स जो कणिकाएं हैं ये कण के रूप में रहती है। तो प्लाज्मा और कणिकाएं, देखिए प्लाज्मा जो होता है वो गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, पीला होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्लाज्मा का पीला रंग क्यों होता है। तो फ्रेंड्स जो प्लाज्मा होता है ये कैसा होता है, ये गाढ़ा, कैसा होता है गाढ़ा पीला। तो पीला क्यों होता है फ्रेंड्स, प्लाज्मा पीला होता है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसे हम कहते हैं कोलेजन। तो प्लाज्मा कोलेजन प्रोटीन से कैसा होता है पीला होता है। तो प्लाज्मा गाढ़ा पीला और कैसा तरल होता है, और फ्रेंड्स कैसा होता है चिपचिपा होता है। तो ध्यान देना प्लाज्मा हमारा गाढ़ा पीला तरल और कैसा होता है चिपचिपा होता है, ठीक। अब प्लाज्मा पीला क्यों होता है, तो कोलेजन प्रोटीन, ध्यान देना यह प्रोटीन का नाम है। अभी हाल ही में पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न आया था कि वह कौन सा प्रोटीन जो कपास में होता है। दोस्तों कपास में होता है गोसेपिन प्रोटीन, ठीक है, और मकड़ी के जाले में और रेशम में होता है फाइब्रोइन प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन क्वेश्चन पीसीएस में प्री में 2019 में आए हुए थे। तो ध्यान देना दोस्तों कोलेजन भी क्या है, कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कहां होता है ब्लड के प्लाज्मा में होता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्लाज्मा के दो पार्ट, प्लाज्मा में दो पार्ट है, एक क्या है दोस्तों एक होता है तरल भाग, इसमें देखिए इसे हम कहते हैं लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है जल होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 90% यह प्रश्न लगातार पूछा गया है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, प्लाज्मा में जल कितना है 90%, प्लाज्मा के अंदर कुल 90% क्या होता है जल होता है। और दोस्तों प्लाज्मा का एक होता है ठोस भाग जिसे हम कहते हैं सॉलिड पार्ट, ठीक।
इस सॉलिड पार्ट में क्या होता है, कौन कौन सा पदार्थ होता है, कौन कौन सा मटेरियल होता है दोस्तों, यह भी प्रश्न लगातार बन सकता है, बना हुआ है कि इस प्लाज्मा के ठोस भाग में सॉलिड पार्ट में क्या क्या शामिल है। सो फ्रेंड्स देखिए, इस प्लाज्मा के ठोस भाग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब दो पार्ट हम यहां पे कौन कौन सा बनाएंगे फ्रेंड्स, एक पार्ट हम यहां बनाएंगे जिसे हम कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ, यानी प्लाज्मा के अंदर कुछ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनऑर्गेनिक, ठीक। और इस प्लाज्मा के अंदर कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, दोस्तों ये अकार्बनिक भाग है और ये क्या है, कार्बनिक भाग है। तो कार्बनिक भाग वह होगा जिसमें कार्बन के यौगिक होंगे, और अकार्बनिक भाग वह होगा दोस्तों जिसमें कार्बन के यौगिक नहीं होंगे, उसे हम अकार्बनिक अर्थात क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आखिर इस इनऑर्गेनिक में क्या है और ऑर्गेनिक में क्या क्या होता है। सो फ्रेंड देखिए, इसमें जो है इस वाले भाग में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक। सो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या होता है, इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या होते हैं, या फ्रेंड्स बाइकार्बोनेट HCO3, ठीक। सो फ्रेंड्स इसमें क्या क्या है, इसमें है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, और ध्यान देना जो कैल्शियम होता है वो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, और जो ये बाइकार्बोनेट है दोस्तों यह रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से बाहर करता है। ध्यान दीजिएगा, बाइकार्बोनेट वह भाग है जो रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त से बाहर करता है, और यह कैल्शियम वह भाग है दोस्तों जो क्या करता है, रक्त का थक्का बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स ये होते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक पार्ट की, और हां यहां आप सोचेंगे कि हाँ प्लस माइनस क्या लगा हुआ है, सो फ्रेंड ध्यान दे रहा है ये आयन है, ये क्या होता है, ये आयन होता है, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट्स और क्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है सॉलिड पार्ट, ठीक है। इसमें एक है अकार्बनिक, एक कार्बनिक, तो अकार्बनिक में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और दोस्तों इसके अलावा बाइकार्बोनेट और क्लोरीन होता है। आइए हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या शामिल है। सो फ्रेंड यहां देखिए, फर्स्ट जो पहला भाग होता है वो क्या होता है, वो होता है पहला ही भाग प्रोटीन, क्या होता है प्रोटीन। तो ध्यान देना प्रोटीन, तो प्रश्न ये बन सकता है कि प्लाज्मा में कितना परसेंट प्रोटीन। सो फ्रेंड्स प्लाज्मा के अंदर कुल 7% प्रोटीन होती है, और इसमें 4 प्रोटीन प्रमुख होती है, जिसमें पहली कौन सी, सो फ्रेंड्स इसमें पहली प्रोटीन होती है एल्बुमिन। ध्यान देना एल्बुमिन, एल्बुमिन वह प्रोटीन है जो अंडे के सफेद भाग में होती है, क्लियर। तो अगर प्रश्न ये बनता है कि अंडे के सफेद भाग में कौन सी प्रोटीन होती है, तो आप क्या बताओगे फ्रेंड्स, वो होती है एल्बुमिन। और देखिए इसके अतिरिक्त क्या होता है इसमें, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। अब ये ग्लोबुलिन कौन सी प्रोटीन है दोस्तों, ग्लोबुलिन वह प्रोटीन है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और एंटीबॉडी वह प्रोटीन है जो शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता को विकसित करता है दोस्तों, ये क्या है ग्लोबुलिन। अब देखिए इसके अतिरिक्त फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन और इसके अतिरिक्त प्रोथ्रॉम्बिन, प्रोथ्रॉम्बिन, ये 4 ऐसी प्रोटीन है जो कहां होती है, प्लाज्मा में होती है दोस्तों। ध्यान देना एल्बुमिन कहां होती है,
अंडे के सफेद भाग में, और फ्रेंड्स ग्लोबुलिन कहां होती है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रॉम्बिन, ये दोनों पर प्रोटीन कहां बनते हैं, ये दोनों प्रोटीन बनते हैं हमारे यकृत के अंदर। और फ्रेंड्स ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। देखिए फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रॉम्बिन के अतिरिक्त थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिन, ठीक दोस्तों, ये सब ऐसे प्रोटीन है जो रक्त को जमाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रॉम्बिन दोस्तों ये कहां बनते हैं, ये प्रोथ्रॉम्बिन है, प्रोथ्रॉम्बिन ये बनते हैं हमारे लीवर में। सो फ्रेंड्स जो जो आपका कार्बनिक भाग है उसमें पहला क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। एंड फ्रेंड्स अगला क्या होता है, अगला होता है ग्लूकोज। तो ध्यान देना इसमें क्या होता है, ग्लूकोज। फ्रेंड्स ग्लूकोज के अतिरिक्त फोलिक अम्ल यानी ब्लड के ब्लड के कार्बनिक भाग में क्या होता है, फोलिक एसिड यानी फोलिक अम्ल भी होता है। और फ्रेंड्स फोलिक अम्ल के अतिरिक्त विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, ये विटामिन भी क्या होते हैं, इसमें होते हैं। सो फ्रेंड्स विटामिन B6, विटामिन B9, ध्यान देना विटामिन B6 को हम क्या कहते हैं, पाइरिडॉक्सिन कहते हैं, और B9 को हम कहते हैं फोलिक एसिड। एंड फ्रेंड्स विटामिन B12 को क्या कहते हैं, हम इसे हम कहते हैं दोस्तों, और हाँ विटामिन B12 बोलते हैं साइनोकोबालामिन, इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन। तो दोस्तों ये क्या होती है, साइनोकोबालामिन। और ये सब क्या है, ये सब कार्बन युक्त पदार्थ है, चाहे वो प्रोटीन की बात करें या हम ग्लूकोज की बात करें या हम फोलिक अम्ल की बात करें या दोस्तों हम विटामिन की बात करें। तो ध्यान देना ये सब वो भाग है जो प्रोटीन के कार्बनिक भाग होते हैं, जो दोस्तों प्लाज्मा के कार्बनिक भाग होते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लाज्मा के बारे में आपने कितना कुछ जान लिया, जल कितना, तो 90%। कितने भाग, दो भाग, कौन कौन से, अकार्बनिक भाग और कौन से, कार्बनिक भाग, ठीक। और तो फ्रेंड्स प्लाज्मा के विषय में इतना देखिए। अब देखते हैं हम लोग कि ब्लड कार्पसल्स कितनी प्रकार की होती है और इसके बारे में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं ब्लड कार्पसल्स अर्थात रक्त कोशिकाओं के बारे में कि रक्त कोशिकाओं में कौन कौन से भाग इंपॉर्टेंट है और कहां कहां से प्रश्न आपका बनता है। सो फ्रेंड्स तो ब्लड सेल हमें देखना है। देखिए जो ब्लड सेल होती है वो फ्रेंड्स तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तीन। जो पहली होती है, पहली को हम कहते हैं आरबीसी, ध्यान देना आरबीसी, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसे हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। एंड फ्रेंड्स दूसरा होता है आपका WBC, जिसे व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। WBC को व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। और फ्रेंड्स एक होता है नंबर 3 जिसका नाम है प्लेटलेट्स। सो फ्रेंड्स प्लेटलेट्स, ध्यान देना रुधिर कणिकाओं के इतने भाग होते हैं। अब देखिए जो हमारी ब्लड सेल है वो कितना है फ्रेंड्स, वो है पूरे ब्लड का 40-45%। और ये अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। तो ध्यान देना इस 100% का आरबीसी कितना होता है। सो फ्रेंड्स आरबीसी होता है 99%, यानी सबसे अधिक क्या होती है, लाल रुधिर कणिकाएं। और इसीलिए ब्लड हमारा कैसा होता है, लाल रंग का होता है। अगर हम बात करें WBC की, ये होती है 0.3%, यानी कम मात्रा में होती है। तो फ्रेंड्स कितनी होती है, 0.3% क्या होती है,
ये आपकी डब्ल्यूबीसी और 0.7% क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका होता है प्लेटलेट्स। अब देखिए, अब पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है कि आरबीसी का एक नाम और क्या है। सो फ्रेंड देखिए, आरबीसी का एक नाम और है इरिथ्रोसाइट, यानी आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ध्यान देना फ्रेंड्स। इसका नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है? तो इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और फ्रेंड्स प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक। अब देखिए, यहां से फ्रेंड्स हमने देखा कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है, कि ब्लड में कौन कौन से भाग होते हैं। आपने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अभी देखिए, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या है, कहां बनता है, आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन यकृत को प्रेरित करता है, और फ्रेंड्स आरबीसी का विनाश मात्रा कितनी होती है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में, ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकोपीनिया क्या है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो इसको भी हम यहां डिस्कस करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और बनता है कि ब्लड क्लॉट कैसे करता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। तो देखिए, पहली बात तो जानते रहिए आप लोग कि ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। पहली बात तो प्रश्न यही पूछता है कि ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, या ब्लड को क्लॉट कराने वाली प्रोटीन कौन कौन सी होती है। सो फ्रेंड देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन है ब्लड क्लॉटिंग। अगर हम बात करें ब्लड क्लॉटिंग की, ब्लड क्लॉटिंग इसे हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। देखिए, जब हमको चोट लगती है, जब चोट लगती है, घाव लगता है, तो फ्रेंड्स होता क्या है कि वह चोट अमूमन 5 से 7 मिनट के अंदर क्या होता है, वहां से जो ब्लड निकलता है वो ब्लड जम जाता है, यानी जहां हमें चोट लगती है वहां से ब्लड निकलता है, और 5 से 7 मिनट में क्या होता है, वो ब्लड जम जाता है। तो दोस्तों हमें वही देखना है कि आखिर रक्त को जमाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि ब्लड को कौन कौन से कारक जमाते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये कहां से निकलता है? ये निकलता है यकृत से। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रॉम्बिन प्लस कैल्शियम। देखिए, जब ये तीनों मिलते हैं, जब ये तीनों भाग मिलते हैं, तो मित्र यहां, तो फ्रेंड्स यहां क्या बनता है? जब ये तीनों भाग मिलेंगे, कैल्शियम, जब ये तीनों भाग मिलते हैं तो क्या करते हैं? थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं, थ्रोम्बिन। और ध्यान देना, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, ये सभी क्या है? सभी प्रोटीन है। तो जब प्रोथ्रोम्बिन, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? थ्रोम्बिन बनाते हैं। और फ्रेंड्स, जब थ्रोम्बिन, जब थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, इसके साथ होता है फाइब्रिनोजेन, यह एक प्रोटीन है, तो जब यह दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ये दोनों मिल करके बनाते हैं फाइब्रिन। सो फ्रेंड्स, जब थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम मिलता है क्या बनता है? थ्रोम्बिन बनता है। और जब थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलता है तो फाइब्रिन बनता है। और ध्यान दीजिए
जब फाइब्रिन फाइब्रिन प्रोटीन प्लस प्लेटलेट प्लस प्लेटलेट्स और प्लस विटामिन के, दोस्तों जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या होता है, तीनों के मिलने से रक्त का थक्का बनता है, रक्त का थक्का बनता है। ठीक, तो ध्यान देना यही प्रक्रिया है रक्त को जमाने की। तो अगर प्रश्न ये बनता है कि रक्त को जमाने में सहायक प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन भी क्या है, प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है, प्रोटीन, और फ्रेंड्स थ्रोम्बिन भी क्या, ये भी प्रोटीन, तो तीन हो गया, प्लस फाइब्रिनोजेन चार और प्लस फाइब्रिन क्या हो गया पांच, ये पांच प्रोटीन हो गई। तो पांचों प्रोटीन क्या करती है, ब्लड को क्लॉट करवाती है, और इन पांचों का निर्माण कहां होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। और देखिए फ्रेंड्स यहां देखिए दिया हुआ है कि अगर प्रश्न पूछ दे, ये तो ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, यानी कि जब ये प्रक्रिया होती है तो लगे हुए चोट के निशान पर एक रुधिर जाल बन जाता है और वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अब देखिए, सो फ्रेंड्स यदि ऐसा प्रश्न बन जाए, यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है, ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड को, जो रक्त को जमाने में सहायक है, तो आप क्या बताएंगे। सो फ्रेंड्स अब ऐसा प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सा प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो ध्यान देना दोस्तों, हीपेरिन प्रोटीन, हीपेरिन प्रोटीन वह प्रोटीन है, हीपेरिन प्रोटीन वह प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है दोस्तों। और इसका निर्माण कहां होता है, तो इसका निर्माण होता है यकृत यानी कि लीवर में। तो ध्यान दीजिए, यह होता है ब्लड क्लॉटिंग और दोस्तों एंटी क्लॉटिंग, तो हीपेरिन को एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहते हैं। तो दोस्तों ब्लड से हमने आज देखा कि रक्त क्या है, इसके कार्य क्या है, और कैसे हम ब्लड को डोनेट करते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों इसके आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, और प्लेटलेट्स क्या होता है। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।